नमस्कार साथियों, आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड क्लास 11th प्रोज का फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जिसे लिखा है कुशवंत सिंह ने, तो इस चैप्टर के जो राजीव प्रकाशन में आपसे 5 क्वेश्चन पूछे हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, उनका मैं आपको आंसर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। अगर आपने इसका हिंदी अर्थ नहीं देखा है तो पहले आप इसका हिंदी अर्थ देख लें, जिसका मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, जिससे कि आपको क्वेश्चन आंसर समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द नरेटर्स ग्रैंडफादर, यानी कि नरेटर के दादाजी अपीयर, प्रतीत होते थे इन द पोर्ट्रेट, उस तस्वीर में, यानी कि नायक यानी कि जो नरेटर था उसके दादाजी तस्वीर में कैसे प्रतीत होते थे। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, द नरेटर्स ग्रैंड फादर एपियर्ड, यानी कि नरेटर के दादाजी प्रतीत होते थे एट लीस्ट कम से कम 100 ईयर्स ओल्ड, वर्ष वृद्ध, यानी कि नरेटर के दादाजी कम से कम 100 वर्ष वृद्ध प्रतीत होते थे, एंड और द सॉर्ट ऑफ पर्सन, और उस प्रकार के व्यक्ति प्रतीत होते थे, हु कुड हैव ओनली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, यानी जिनके केवल ढेर सारे पोते और पोतियां हों, इन द पोर्ट्रेट, वह तस्वीर में ऐसे दिखाई देते थे। तो देखते हैं फ्रेंड्स आपका सेकेंड क्वेश्चन, डिस्क्राइब द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर द ग्रैंड मदर, यानी कि दादी माँ के दिन के सबसे खुशहाल आधे घंटे का वर्णन कीजिए। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर ग्रैंड मदर वॉज था, यानी दादी माँ के लिए दिन का आधा घंटा सबसे प्रसन्नचित था, व्हेन जब सी यूज्ड टू फीड, जब वह खिलाया करती थी द स्पैरोज यानी कि चिड़ियों को, इन द आफ्टरनून दोपहर में, यानी कि जब वह दोपहर में पक्षियों या चिड़ियों को खिलाया पिलाया करती थी, सम ऑफ देम उनमें से कुछ कैम्प टू नियर उनके पास आती थी, एंड और सेट ऑन हर लेग्स, और उनके पैरों पर बैठ जाती थी, एंड और सोल्जर्स कंधों पर बैठ जाती थी, बट सी डिड नॉट फ्लाई देम, लेकिन वह उन्हें नहीं उड़ाती थी, एंड सी स्माइल्ड, और वह मुस्कुराती थी। तो यही जो खिलाने पिलाने का टाइम था और उनके साथ जितना आधा घंटा वो समय व्यतीत करती थी, तो यही उनका सबसे प्रसन्नचित समय था। तो आगे देखते हैं, आपका अगला क्वेश्चन पूछा है कि हाउ डिड द नरेटर एंड हिज ग्रैंड मदर बिकम गुड फ्रेंड्स, यानी कि लेखक और उनकी दादी माँ एक अच्छे मित्र कैसे बने। तो आप आंसर लिखेंगे, व्हेन द नरेटर्स पेरेंट, यानी कि जब लेखक के माता और पिता लेफ्ट हिम, उन्हें छोड़ गए, अर्थात नरेटर को छोड़ गए, विद हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ के साथ, जब वो नरेटर के माता और पिता उन्हें उनकी दादी माँ के साथ छोड़ गए, एंड और दे वेंट टू लिव, वे रहने के लिए चले गए द सिटी, शहर में, और वे लोग शहर में रहने के लिए चले गए, ही एंड हिज ग्रैंड मदर, वह और उनकी दादी माँ बिकेम गुड फ्रेंड्स, अच्छे मित्र बन गए, यानी कि इसीलिए वह और उनके दादी माँ अच्छे मित्र बन गए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कुड द ग्रैंड मदर नॉट टॉक स्ट्रेट, यानी कि जो दादी माँ थी वह सीधे बात क्यों नहीं कर सकती थी। तो आप इसका आंसर लिखेंगे, द ग्रैंड मदर रेयरली लेफ्ट, यानी कि जो दादी माँ थी रेयरली मुश्किल से लेफ्ट छोड़ती थी हर स्पिनिंग व्हील, अपने सूत काटने वाले चरखे को, एंड और सी वॉज रिसाइटिंग, वह दोहराती थी प्रेयर्स प्रार्थनाओं को, एंड और इन द आफ्टरनून सी यूज्ड टू फीड द स्पैरोज, और वह दोपहर में पक्षियों को खिलाया पिलाया करती थी, सो सी कुड नॉट टॉक स्ट्रेट, इसीलिए वह किसी से ज़्यादा देर तक बात नहीं कर सकती थी। कहने का मतलब है, दादाजी वो दादी माँ जो थी वह मुश्किल से ही अपने सूत काटने वाले चरखे को छोड़ती थी और अपनी प्रार्थना को दोहराती रहती थी, और दोपहर में वह पक्षियों को खाना खिलाया करती थी, इसीलिए वह किसी व्यक्ति से बात मुश्किल से ही कर पाती थी। तो अंतिम क्वेश्चन को देखते हैं, तो आपका अंतिम क्वेश्चन है, हाउ डिड द ग्रैंड मदर स्पेंड हर टाइम व्हेन नरेटर वेंट टू द
यूनिवर्सिटी। यानी कि दादी माँ अपने समय को कैसे व्यतीत करती थी जब नरेटर विद्यालय के लिए चला गया, यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के लिए चला गया। तो आप इसका आंसर लिख सकते हैं, व्हेन द नरेटर वेंट टू द यूनिवर्सिटी, जब लेखक विद्यालय के लिए गया, द ग्रैंड मदर स्पेंट हर टाइम, तो जो दादी माँ थी वह अपने समय को व्यतीत करती थी, दैट की सी वॉज स्पिनिंग, वह काटती थी व्हील यानी कि वह अपनी चरखे को काटती थी, रिसाइटिंग दोहराती थी प्रेयर्स प्रार्थनाओं को, एंड और सी यूज्ड टू फीड, वह खिलाया पिलाया करती थी द स्पैरोज पक्षियों को, इन आफ्टरनून यानी कि दोपहर में। तो इस प्रकार से इसके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका जो एमसीक्यू क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन कराऊंगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल टेक केयर, हैव फन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।